नमस्कार, मैं हूं सबा शाही। कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। भारत में लेफ्टिस्ट गैंग एक्टिव रहा है। हाल ही में भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर भी लेफ्टिस्ट गैंग की पूरी देश में किरकिरी हुई थी, लेकिन अब पीएम मोदी की ओर से ऐसा कदम उठाया गया है जिससे लेफ्टिस्ट लोगों की कमर टूटने वाली है। ये रिपोर्ट में देखिए। अगले साल से भारत के टेलीविजन चैनलों के लिए हर दिन 30 मिनट तक देश हित का कंटेंट टेलीकास्ट करना जरूरी होगा। ऐसी संभावना है कि सैटेलाइट टीवी चैनल्स के लिए 1 जनवरी 2023 से ये जरूरी हो जाएगा कि वो हर दिन 30 मिनट तक राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट प्रसारित करें। दरअसल इस महीने के शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश 2022 को मंजूरी प्रदान की थी, जिसके तहत चैनलों के लिए हर रोज आधे घंटे तक देश हित से जुड़े कंटेंट को टेलीकास्ट करना अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने 9 नवम्बर को दिशा निर्देश जारी किया था। उस दिन पूरे देश में दिशा निर्देश के प्रभावी होने के बावजूद सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने ये कहा था कि चैनलों को देश हित से जुड़ा कंटेंट तैयार करने के लिए वक्त दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि चैनलों और बाकी हितधारकों के साथ कई दौर की मीटिंग्स हुई, जिसके बाद ये तय किया गया कि 30 मिनट देश हित का कंटेंट वाले दिशा निर्देश को 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा। सूत्रों ने ये भी कहा कि इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों और हितधारकों के बीच एक और मीटिंग होने जा रही है। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक हर दिन 30 मिनट तक लोक सेवा और देश हित से जुड़ा कंटेंट टेलीकास्ट किया जाएगा। चैनलों को कंटेंट तैयार करने के लिए 8 थीम्स दी गई है। चैनलों को दी गई थीम्स में शामिल है शिक्षा और साक्षरता का प्रसार, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं का कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण। दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि सरकार समय समय पर देश हित से जुड़े कंटेंट के प्रसारण के लिए चैनलों को सलाह जारी करती रहेगी और चैनल के लिए जरूरी होगा कि वो इसका पालन भी करे। सरकार के इस कदम से भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के टेलीविजन चैनलों को सिंगापुर के बजाय भारत से अपलिंक करने की इजाजत मिलने की उम्मीद है। वहीं सिंगापुर उपमहाद्वीप में प्रसारित चैनलों के लिए पसंदीदा अपलिंकिंग हब है। अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय में रजिस्टर्ड कुल 897 चैनल में से सिर्फ और सिर्फ 30 चैनल ही भारत से अपलिंक है। यानी कि देश को नफरत की आग में ढकेलने वाले गैंग को अब पीएम मोदी ने करारा तमाचा मारा है और देश हित के लिए एक और ऐसा कदम उठाया गया है जिससे यकीनन लेफ्टिस्ट गैंग की कमर टूटने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।